नमस्कार नेशन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। बिहार में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। फिलहाल कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घटी थी, पर इसमें कुछ उछाल नजर आए हैं। आपको बता दें कि बीते दिन कोरोना संक्रमित मरीजों में 8 मरीजों की मौत हो गई थी। वहीं बिहार सरकार द्वारा आज जो कोरोना मरीजों की संख्या बताई गई है वह 588 है। आइए जानते हैं बिहार में किन किन जिलों में कितने कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। बात करें बिहार में तो अररिया में 2, औरंगाबाद में 5, बांका में 3, बेगूसराय में 11, भागलपुर में 15, भोजपुर में 6, बक्सर में 3, दरभंगा में 3, ईस्ट चंपारण में 7, गया में 17, गोपालगंज में 5, जमुई में 2, जहानाबाद में 25, कैमूर में 6, खगड़िया में 11, खगड़िया में 7, किशनगंज में 6, लखीसराय में 4, मधेपुरा में 9, मधुबनी में 8, मुंगेर में 5, मुजफ्फरपुर में 16, नालंदा में 13, नवादा में 1, पटना में 262, पूर्णिया में 9, रोहतास में 9, सहरसा में 4, समस्तीपुर में 9, सारण में 26, शेखपुरा में 3, शिवहर में 9, सीतामढ़ी में 5, सिवान में 15, वैशाली में 17 और वेस्ट चंपारण में 18। तो यह थी कुल बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का हब बनता जा रहा है। कुल 262 नए मामले सामने आए हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।